नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कानपुर का चिड़ियाघर, जो कि यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और इसमें सभी तरह के जानवर और जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको ये चिड़ियाघर अंदर चल के दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसके बाहर का नज़ारा और सामने है टिकट काउंटर। तो दोस्तों हमने टिकट ले लिया है, जो कि 70 रुपये का हमको ये टिकट पड़ा है। तो आइए हम चलते हैं इस चिड़ियाघर के अंदर और आपको दिखाते हैं एक से एक जानवर और तरह तरह के जीव जंतु। यहाँ पर टिकट दिखाना पड़ता है और दिखाने के बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो इस बात का दोस्तों आप पूरी तरह ध्यान रखिए, इस चिड़ियाघर में जब भी आइए आप मास्क जरूर लगा कर आइए, वरना आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आइए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कानपुर प्राणी उद्यान आपका स्वागत करता है, बहुत ही खूबसूरत इसे बनाया गया है। इस चिड़ियाघर में सभी तरह के जानवर देखने को मिलते हैं और इसके बगल में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर झूला भी बनाया गया है, जो कि जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को ये जगह काफ़ी पसंद आता है। और यहाँ पर एक चेतावनी भी दिया गया है, तो आप जब भी आइए इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। ये चिड़ियाघर भारत का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, लगभग 75 हेक्टेयर में फैला हुआ ये चिड़ियाघर है। सुबह ही हम आए हैं, इसीलिए देख सकते हैं यहाँ पर उतना भीड़ भी नहीं है, क्योंकि मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ सुबह ही जाता हूँ, इसीलिए यहाँ अभी उतने लोग आए हैं नहीं, लेकिन 11-12 बजते बजते यहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कानपुर प्राणी उद्यान के बारे में कुछ दिया गया है, लगभग 76 हेक्टेयर में फैला हुआ ये चिड़ियाघर है। तो चलिए आपको एक से एक जानवर दिखाते हैं, यही रास्ता आगे जाएगा, जो भी जानवर मिलेंगे तो आपको दिखाते हुए चलेंगे। आइए दोस्तों चिड़ियाघर के अंदर सबसे पहले आपको बाघ दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये बाघ के बारे में भी दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इस चिड़ियाघर में सभी तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, तो आइए आपको चिड़ियाघर के अंदर सबसे पहले बाघ दिखाते हैं। कहाँ है बाघ, ये उसका बाड़ा बनाया गया है और देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पर है टाइगर, जो कि वो गुफा में जा रहा है, देख सकते हैं। और काफ़ी विशाल आकार भी है उसका, देखने में बहुत ही भयानक लग रहा है दोस्तों। और दो बाघ हैं। बाघ देखने में दोस्तों बहुत ही डेंजरस लगता है और इसका आकार भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। तो चिड़ियाघर में आप आते हैं दोस्तों तो आपको बंगाल टाइगर देखने को आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी सारे जानवर दिखाते हैं। अभी तो बहुत सारे जानवर हैं, तो आइए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये गैंडा के बारे में दिया गया है और इस वाले बाड़े में गैंडा है, तो आइए आपको गैंडा दिखाते हैं, जो कि बहुत भारी शरीर होता है इनका। और आइए आपको पास से दिखाते हैं गैंडा, बहुत ही ये खूबसूरत ये नज़ारा। जल्दी गैंडा पास से देखने को नहीं मिलता है और चिड़ियाघर में हम आए और हमको ये पास से गैंडा देखने को मिल गया। और देख सकते हैं ये इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो खा रहा है, हमें लगता है कि हो सकता है कि इसे भूख लगी होगी। और बहुत भारी शरीर होता है, हाथी के बाद ये सबसे ज़्यादा वजन वाला ये गैंडा होते हैं। तो डर लग रहा है कि ये कहीं ये नीचे खाई में ना गिर जाए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस जोन पे भी खड़ा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको खाने पीने का पूरा बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर ये पत्ते तोड़ के खा रहा है अगर ज़रा सा भी पैर अगर फिसला तो ये नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा ना हो, यहाँ के कर्मचारियों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कुछ भी हादसा हो सकता है।
और मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इसका पैर बहुत ही एकदम किनारे पर है, तो ऐसा ना हो, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे आपको और भी जानवर दिखाते हैं। और ये गेंडा देख सकते हैं, बहुत ही पास से हम देख रहे हैं और देखकर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है हमको, क्योंकि पास से मैं गेंडा पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पर मोर की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, अभी तो बहुत सारे जानवर हैं। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इसमें। कठुमर नाम का कोई चीज़ है इसमें, और शायद हमको तो कहीं दिख नहीं रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर हो। तो आइए आगे चलते हैं। एक यहाँ पर ट्रेन भी है, ट्रेन से भी आप इस पूरे चिड़ियाघर को घूम सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक देसी भालू है जो कि कुछ अलग ही लग रहा है देखने में, देख सकते हैं आप। अभी सुबह के टाइम में बहुत सारे जानवर अभी अपने गुफा में सोए हुए हैं, और ये भी हमारी आवाज़ सुनकर ये गुफा में जाने लगा। तो इस चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर देखने को मिल रहे हैं, अभी तो और भी आगे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे आपको और भी बहुत सारे जानवर दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भालू के बारे में भी दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें डायनासोर बनाया गया है। हालांकि डायनासोर तो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये जंगल में ही रहने वाले एक समय के जानवर हुआ करते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी यादें बस बची हैं, और काफ़ी ये बड़ा आकार भी लग रहा है, काफ़ी अच्छे ढंग से इसे बनाया गया है। एक टाइम तो ऐसा लगा, जब हम इसे देखे तो ऐसा लगा कि ये मतलब असली में ये डायनासोर है। इसके नीचे भी एक तो है, तो बहुत ये विशाल आकार भी लग रहा है इसका। तो चलिए आगे चलते हैं, अब आगे चल के आपको और भी जानवर दिखाते हैं। अभी तो ये चिड़ियाघर आधा भी नहीं घूमे हैं दोस्तों, अभी तो बहुत सारे जानवर, पक्षी, तरह तरह के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सब दिया गया है दिशा निर्देश कि कौन सा जानवर किधर पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एक जेब्रा है जो कि ये कुछ खा रहा है, घास वगैरह खा रहा है, और इतने बड़े बाड़े में सिर्फ एक ही जेब्रा है देख सकते हैं, और मूल रूप से ये भी शाकाहारी होते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं, आगे आपको बफर शेर दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बब्बर शेर के बारे में दिया गया है, और यहाँ देख सकते हैं एक बब्बर शेर बैठा हुआ है बहुत ही आराम से, जो कि बहुत पीछे बैठा हुआ है। अगर ये पास आता तो और अच्छे ढंग से दिख पाता, लेकिन ये जो बब्बर शेर होते हैं जंगल का राजा माने जाते हैं, और बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस चिड़ियाघर में आपको बब्बर शेर भी देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों आगे आपको और भी जानवर दिखाएंगे, अभी तो बहुत सारे जानवर छूट गए हैं, तो आगे दोस्तों जो भी मिलेंगी आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का वीडियो पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको पता नहीं चल पाएगा कि इस चिड़ियाघर में और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको जो भी जानवर मिलेगी आपको दिखाते हुए चलेंगे। ये जो चिड़ियाघर है उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए हम पिछले 2.5 घंटे से घूम रहे हैं, लेकिन अभी भी चिड़ियाघर को मैं पूरा नहीं घूम पाया। तो आइए अब आगे चलते हैं, आगे आपको और भी सारे जानवर दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये चीतल के बारे में दिया गया है, और इसके पीछे देख सकते हैं बहुत सारे चीतल बैठे हुए हैं, जो कि इनका सिंह निकला हुआ है बड़े बड़े, बहुत सारे इसमें चीतल हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं और क्या क्या है। वास्तव में चिड़ियाघर दोस्तों बहुत ही
खूबसूरत है, जितना भी तारीफ करे कम है, क्योंकि ये चिड़ियाघर काफ़ी बड़ा भी है और इसमें सभी तरह के जानवर देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी क्लीन भी है। तो आइए आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है। आइए दोस्तों, आपको दरियाई घोड़ा दिखाते हैं। ये जो दरियाई घोड़ा होते हैं, ये पानी में रहने वाले जलीय जीव हैं और गेंडा के बाद सबसे भारी वजन वाले होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक दरियाई घोड़ा है और इनका भी जो आकार होता है वो किसी गेंडे से कम नहीं होता, बहुत ही भारी शरीर के होते हैं। आगे भी गेंडा है दोस्तों, तो आइए आपको दिखाते हैं। तो इस चिड़ियाघर में कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसा जीव नहीं है जो कि आपको देखने को ना मिले। सभी तरह के जानवर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर दरियाई घोड़ा के बारे में भी दिया गया है। ये पूर्वी अफ्रीका के दलदली झीलों में तथा बड़ी नदियों में पाया जाता है। मूल रूप से शाकाहारी होते हैं और वजन की बात करें तो ये 1500 से लेकर 1800 किलोग्राम तक के होते हैं, तो बहुत ही भारी शरीर के होते हैं दोस्तों। और वहाँ पर दरियाई घोड़ा निकले हुए हैं पानी से बाहर, तो आइए आपको दिखाते हैं पास से। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं दो दरियाई घोड़ा हैं, एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा है। तो इस चिड़ियाघर में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो कि आपको देखने को ना मिले। बहुत ही भारी शरीर होता है दोस्तों इनका। और ये जो होते हैं, ये हाथी और गेंडा के बाद सबसे ज़्यादा वजन वाले जीव होते हैं। तो बहुत ही विशाल आकार है इनका। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे आपको और भी बहुत सारे जानवर दिखाते हैं। इस वाले बाड़े में दोस्तों तेंदुआ है, देख सकते हैं, और बहुत ही ये सामने एकदम बैठा हुआ है गुमशुदा। हो सकता है कि किसी की तलाश में है, इसीलिए घात लगाए बैठा हुआ है। और एक और तेंदुआ है, देख सकते हैं, इसके पीछे भी एक तेंदुआ है। ये भी जानवरों में काफ़ी हिंसक माने जाते हैं और दो तीन इसमें तेंदुआ है, हमको तो लगा सिर्फ एक ही है। तो इस चिड़ियाघर में आते हैं तो आपको तेंदुआ भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। कानपुर का चिड़ियाघर दोस्तों बहुत बड़ा है, अगर आप इसे घूमेंगे तो आपको कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे इसे घूमने में, तब भी आप इस चिड़ियाघर को घूम नहीं पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं तेंदुआ के बारे में भी दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ दर्शकों हेतु सूचना भी दिया गया है, तो यहाँ पर जितनी भी सारी जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं आप उसे पढ़ लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और कितने जानवर देखने को मिलते हैं।